नादिया बिल्कुल तैयार हैं। मैं तैयार है। क्योंकि रिव्यू होने वाला है ड्रामा सीरियल मैं का। ओवर टू यू नादिया। पहले आप गाड़ी के कागज दिखाएं। गाड़ी के कागज दिखाएं ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। मैं कहा क्यों, आप इधर से आके बात करें ना। नहीं, पहले आप गाड़ी के कागज दिखाएं। आपको कह रहा हूँ इधर से आके बात करें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। अरे भैया मैं कुछ और कह रहा हूँ। लेकिन पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। तुम कुछ और कह रही क्या भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये कुछ बहुत कमाल ड्रामा है भाई और बहुत मज़ेदार हो गया है, लेकिन इसके कुछ वाई मोमेंट्स हैं। ये वाही ड्रामा है जिसपे मतलब बाकियों के इतने सवाल नहीं है मेरे पास, इस पर बहुत सारे मेरे सवाल सवाल जवाब और वाई मोमेंट्स हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों था, ये इसने क्यों कहा, ये क्यों हो गया। तो ये अच्छी बात है ये कि हमारे दिमाग को ना ये रखता है, ये तेज़ काम कर रहा है मतलब दिमाग ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आप सोचते हैं, समझते हैं, परेशान हो जाते हैं, पॉज करते हैं, रिवाइंड करते हैं। तो इस ड्रामे ने बहुत हमसे भी मेहनत कराई है। ये सीन की मुझे समझ नहीं आई, सिर्फ आई थिंक उसने उसके मुंह से बुलवाना था ये मेरी बीवी है। एग्जैक्टली सिर्फ ये बुलवाने के लिए, बिल्कुल सिर्फ ये बुलवाने के लिए मेरी बीवी है और उसका बीवी का रिएक्शन। सीन का कोई मकसद नहीं था। ये जगह ठीक थी, उसने पहली दफा कहा ये मेरी बीवी है और उसने यू रिएक्ट किया यू नो विद मुझे पता है शहरों में ऐसी गाड़ी में मर्सिडीज में आपके वहा जैसा लड़का आयजा जैसी मैडम बैठी हुई कभी पुलिस नहीं रोकेगी। अच्छा फिर उसके आगे उससे भी प्यारी लाइन है। अच्छा मतलब ये कि आप साथ लेके चले और हम देखे भी नहीं। नो पुलिस गाइस, पुलिस वाला ऐसे बोलेगा और किसी की बीवी को, मीनिंग अल्टीमेट गुंडा। आप साथ लेके फिर सकते हैं, हम देख भी नहीं सकते। ये शक्ति कपूर कहां से आ गया एकदम पुलिस वाले में, मतलब अनरियलिस्टिक स्टूपिड वो सीन था। और पुलिस वालों को आप ऐसे ना दिखाएं प्लीज कि वो ऐसे बात कर रहे हैं और एक बार बार एक ही जुमला। अच्छा पहले कागज दिखाएं, पहला कागज कि मैं से कहूंगी मेरे लिए सीन ऑफ द वीक था ये, बहुत ही जबरदस्त कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद फिर फोन पे उसने बात भी करा दी, फिर डर भी गया फौरन। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी जी हाँ आप जाएं। Badly executed but sorry। हाँ तो मतलब अगर आप आयरा की फैमिली को, आप मिडिल क्लास लोगों को हरास कर रहे हैं समझ आती है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को कोई ऐसे हरास मैंने तो नहीं देखा कि हो रहा है। फिर उसके बाद एक सीन है मिस्टर फखर बात कर रहे हैं, एक साहब उनके रूम में आए हैं, बात करते करते मैं आपको बताता हूँ ये था वो, ये उससे पहले था और उसने ये किया था, उसने पुलिस वाला भेजा। अच्छा। ये कहाँ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर नहीं, ये तो कोई मुझे तो नहीं लगा। मैंने कहा ये कौन अंकल थे जो आए ऑफिस में और अंकल ने से एकदम दोनों म्यूट हो गए और क्या बात हो रही थी? म्यूट अंकल है आपस में क्या बात हो रही थी। ये भी एक मेरी वाई मोमेंट था कि वो अंकल क्यों आए, क्यों उनकी आपस में बात कर रही थी। आई डोंट नो वाई मोमेंट, आई लाइक द टर्म, देयर सो मेनी वाई मोमेंट है, ये वाई मोमेंट है मेरा, क्यों हुआ ये, मैंने कैटेगरी बना दी वाई मोमेंट। रयान पहले बीवी का ख्याल रख रहा है शुरू में, उसको पता है कि भी पापा ने भी कहा, उसको भी बेबी से प्यार ही है, ख्याल कर रहा है तुम खाओ, तुम ये खाओ कश्माला तुम ये। अगले एपिसोड में उसको क्या हुआ इतनी जल्दी कि जहर लगने लगी है बीवी उसकी प्रेगनेंसी, ना बच्चे से इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद वो पहाड़ी खा रहा है। पार्टी कहाँ है? पार्टी कॉम 3 के पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया में। But that's just so miscasting to the point of death। मतलब कश्माला से ज़्यादा प्यारी नहीं थी। अच्छे लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि कश्माला से ज़्यादा प्यारी नहीं थी वो बच्ची। तो वो क्या कर रही थी? और वो नहीं, अगर पार्टी भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं आपस में कुछ फ्लर्ट फ्लर्ट करें ना, वैसे बैठी है गाड़ी में। कि उसके बाद फिर एक बहुत ही बुरी बेहोशी और सारा सीक्वेंस था कश्माला का, बहुत बुरा गिरना। उसके बाद उठ के वो उसने एक तकरीर की, मैंने तो खड़ी थी पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट वो डॉक्टर भी बोर हो गई कि अच्छा ना बस ठीक है रिलैक्स, बहुत बोर डायलॉग डिलीवरी है तुम्हारी, चुप कर जाओ, गिर गई थी बेहोश हो गई थी, मूव ऑन हैव अ लाइफ। वो चलो वो बाकी बोर होगी ना उसकी कहानी सुन के। नहीं मैं भी मैं गिरी पता नहीं कितनी देर बेहोश हुई, फिर पापा आए थे कितनी देर, तो टोटल 20 सेकंड बेहोश हुई थी। दो सेकंड बेहोश हुई थी और कहती पता नहीं कितने घंटों होश में आई हूँ, वो आए बस ड्राइंग रूम से उठ के तो तुम होश में आ गई, तो तुम बेहोश क्यों हुई थी अगर इतनी जल्दी होश में आना, रेटिंग को नीचे लेके जाने के लिए। मुझे समझ नहीं इसकी बेहोशी हुई क्यों, अगर हुई तो जल्दी क्यों आ गई। अच्छा उसके बाद रायान जब
फाड़ी करके आया कॉम थ्री के पार्किंग में, पार्किंग में खड़ा है। मतलब कराची में और भी अच्छी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रही वहाँ क्यों खड़े हो रहे हैं आजकल सब, सारे सीन वहीं खड़े होके आजकल आप लोग कर रहे हैं, वेरी बोरिंग। अच्छा उसके बाद प्लीज अब सुने आप प्लीज इरशाद है। अब रायान से पापा ने पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने उसको कहा डाइटिंग करो, है अभी तो पहले खिला रहा था पिछले एपिसोड में उसको, आप कह रहे तुमने कहा डाइटिंग करो, उसकी वजह से उसने डाइटिंग की है, कमजोरी हो गई है, तो वो क्या कह रहा है? मरीना जी खास आपके लिए, ओनली फॉर यू। I was just telling her to invest in herself. मैंने इसको Google Translator में लगाया। हाँ मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई, इतनी इंग्लिश बहुत ज्यादा होगी, मैंने ट्रांसलेटर में लगाया तो वो क्या कह रहा है अपनी बीवी के बारे में। मैंने नहीं नहीं जी, मैंने उसको खुद में सरमायाकारी करने के लिए कहा इन्वेस्ट। टू क्यूट जी। so, उसके बाद wrong choice. नहीं नहीं अभी जुमला खत्म नहीं हुआ, अब मैं दोबारा से वापस आ रही हूँ, उसके बाद एंड उससे भी प्यारा है। I was just telling her to invest in herself to be more presentable. To be more presentable. नहीं निकला presentable. French में निकला। लेकिन ये जो episodes गुजरे हैं ये है war between Ira and Phil. हाँ feud हो गया। Phil और Ira की ये drama ही सारा Ira और Phil. Phil is father-in-law. मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाज और Aiza के romance को enjoy कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी दिल चाह रहा है कोई disturb ना करें। कौन सा रोमांस में नजर आ रहा है? हल्का सा शुरू हो गया ना, थोड़ा थोड़ा जो करीब आ रहे हैं, क्योंकि फिर भी वहाज तो पहले इसको देखता भी नहीं था सीधे मुंह, अब तो देखने लगा है। नहीं अब तो लुक करा रहा है, तो आई एम एंजॉयिंग दैट क्लोजनेस। सो इन टर्की दे शुड हैव हैड सम काइंड ऑफ, आपको गुड न्यूज मिलेगी जब ये टर्की के बाद आएंगे। नहीं मैं आपको बता रही हूँ गुड न्यूज है, कश्माला इज नॉट अलोन, उसको कंपनी मिलेगी बहुत जल्दी मुझे लग रहा है। तो मेरी तरफ से तो अल्लाह खैर करे, ठीक है मजा बहुत आया मुझे, रयान ने बहुत एंटरटेन रखा है। रुबीरा जी कहानी बढ़ी आगे, देखो मैंने सोचा कहानी चल पड़ी है ठीक है, पहले तो मुबशरा और आसिफ थे, हम कह रहे थे ये दोनों पेयर हैं, अब आयरा और आसिफ पेयर हो गए तकरीबन, अब वो दोनों बहुत मजे के लग रहे हैं और बहुत ही एंटरटेनिंग है। सो कहानी चली लेकिन एक बहुत वही वाई मोमेंट से भरपूर जगहों पे जा रही है। वाई मोमेंट पहला वही था कि वो अव्वल तो इस ट्रैक को ख़त्म कर दें, रियान और उसकी बीवी का ट्रैक ख़त्म कर दें, लेकिन अगर उसमें कोई एक छोटी जगह थी जिसको के हाईलाइट करना था, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी मगर चलो आपने करना था, कि रियान बाप को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सब कुछ उठा के एट द स्पर ऑफ मोमेंट दे दिया बहन को, मेरे लिए क्या छोड़ा उसने का प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर सीन को इसके अराउंड बनाना था, ठीक है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम देखते हैं कि इस पूरी बात में असल पिवटल पॉइंट क्या है जिसके लिए ये सीन लिखे गए हैं बनाए गए हैं, हमने क्या बात क्या मैसेज इस सीन से देना है। सो जो मैंने जब सोचा तो लगा कि शायद ये मैसेज कि वो लड़का नाखुश है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी उसके नाखुश होने की, अच्छा भला रह रहा है, कभी कोई काम नहीं किया, बहन ने तो अब ऑफिस भी संभाल लिया है, तुमको क्या मसला है, बट उन्होंने अगर यहाँ लाना था तो ये बहुत बेतुका तरीका था इस जगह तक आने का। और मेरा ख्याल है कि अगर इस ड्रामे में कोई एक बंदा कसूरवार है हमारे सारे वाई मोमेंट्स का और तकलीफों का तो वो राइटर है, पीरियड राइटर और फिर प्रोडक्शन ने, इसलिए कि अब राइटर का कितना काम सुधारेंगे डायरेक्टर और बाकी सारे मिलके। हाँ अप्रूवल देना स्क्रिप्ट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया दैट इन इटसेल्फ इज हाँ दैट इन वही ना वो इनका कसूर फिर बन गया। वही सड़क वाला सीन बाय मोमेंट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बताना है कि उसने कहना है कि ये मेरी बीवी है, फिर एक जगह थी जो बेहतर तरीके से की गई कि वो कहती है मैंने कपड़े निकाल देने हैं तुम्हारे, और वो कहता है कि अगर रिक्वेस्ट करोगी तो सोचूंगा, वो एक हल्का सा मज़े का मोमेंट था, सही लिखा भी गया था, सही बन भी गया क्योंकि एक्टर भी वहाँ पे ठीक थे और वो संभाल सके उसको। सो आई थिंक एक वही सीन अच्छा था, उसके अलावा अच्छा लगा आयरा का ट्विस्ट एकदम से, 5 करोड़ चाहिए मुझे, यू नो सो बिकॉज मेरे माइंड में चल रहा है कि देखो शी हैज़न्ट फॉरगॉटन,
शी हैज़न्ट फॉरगॉटन बाप का जो बदला है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आया ना, मीनिंग देयर इज समथिंग दैट यू आर सेइंग कि ओके आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस यू नो क्या कहते हैं फॉर व्हाट शी सफर. अच्छा फिर आयरा को आप अगर विलन बना रहे हैं उसको क्लियर विलन नहीं बना सकते बिकॉज शी इज बीन थ्रू अ लॉट. बट इट्स अ वेरी गुड थिंग जो इसमें भी है जो अभिनया है दुर्रे का प्ले खई कि उस घर में आ गई है एंड अब वो बदला कैसे लेगी. यू नो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग आयरा. सो व्हेन दिस ट्विस्ट केम दिस इज व्हाट आई वाज इट वाज कमिंग टू माय माइंड कि उसका जो भी बिकॉज उसके बिहेवियर ऑड हो गया है ना. शी सडनली गॉट दिस री इन री समथिंग व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज लेकिन एकदम से उसको एक सेकेंड हिम्मत मिल गई है कि ठीक है अब शादी हो गई है अब मैं इस पोजिशन में हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें. फिर एक सीन था जिसमें आयरा बड़ी टूटी थकी हुई आती है और यू नो शी इज़ नॉट हैप्पी और भाभी उसको कह रही नहीं अब तुम अपनी शादी निभाओ और अपने हस्बैंड को खुश करो. मैंने कहा कि ये कहाँ से बात आ गई, क्या भाभी भूल गई कि उसके साथ क्या हुआ था कि अगर ये लड़की कर रही है कुछ तो भाभी शुड बी देयर. आई डोंट थिंक शी शुड बी प्रमोटिंग हर मीनिंग यस तुम शादी निभाओ अगर नहीं निभा सकती आई एम हियर फॉर यू लेकिन नहीं उसको ऐसा ही करना चाहिए ना. थिंकिंग वेयर क्यों भाभी भूल गई कि भाभी को 5 करोड़ मिल गए. हाँ हाँ आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई मे बी भाभी इज वेरी हैप्पी शुक्र है गई यही वहाँ से. अब आयरा के अलावा मुझे लगता है कि एवरीवन इवन इवन अपना जैद इज फॉरगॉटन द पास्ट बिकॉज वो जब उनके साथ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं तो जैद इज लाइक लेकिन मैं भी तो सफ़र कर रहा हूँ. तो क्या सफ़र कर रहे हो what are you suffering meaning have you forgotten what she had to go through you know not only ke uska ghar var toda uske upar kya kehte gandi nazron se you know gandi baatein hui wo aadmi kehte tum mujhse shaadi karo. so I'm thinking what have you seriously phir ek deal jo hui thi jab aap company ko ek tender dete hain wo itni aasani se break ho sakti hai is what I'm thinking ki aap jaye aur kahe ki ha aapke bacche ke sath ab wo cheez chal chuki या उस चीज़ को बहुत बड़ा बनाते या एक एंगल ढूंढते जिसमें आप उसको ब्लैकमेल कर सकते थे उस आदमी को लेकिन इतने आसानी से हाँ ठीक है मैं उनसे टेंडर ले लूँगा उसको दे दूँगा. आई फील दैट वॉज वेरी वेरी यू नो इट वॉज चाइल्डिश. सो यू फेल्ट कि चलो एटलीस्ट कहीं तो जा रही है कहानी एंड देन केम 25, 26 and 27 episodes कहानी इज नॉट ऑफ स्टेट. अब इसमें मुझे लग रहा है कि हमने वहाज को एक प्रॉप बना लिया है. एक्चुअल कहानी जो है वो मुबशरा की आयरा की और फादर इन लॉ की एक्चुअली बिकॉज ऑल द मज़े के सीन्स ऑल द सीन्स जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है एंड इट्स रियली 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 सैड. ही हैज नो से ही इज बैक टू अब्बा से पूछना होगा डैडी से पूछना होगा उनसे पूछना होगा. ही हैज एब्सोल्युटली नो से. But the last and the worst was episode 7 where 27 this whole plot of this wife ye kyun tha ye isliye tha because I think aapki kahani khatam ho rahi samajh nahi aa raha ki aap isko kaise badha sakte hain and mujhe lagta hai ki saath saath likhi ja rahi hai and you know there was no thought process koi thought I mean chalo Aira ko aapne अगर दिखाना कि ये बच्ची कुछ नहीं जानती बहुत भोली है बहुत डम है देन परफेक्ट बिकॉज शी वॉज वेरी भोली एंड वेरी डम टू डू सच मीनिंग तुम किसी की लाइफ इन डेंजर में ला रही हो एंड हु इज दिस गर्ल ये कहाँ से आ गई. इसकी नेबर थी थिएटर में काम करती लेकिन क्यों करेगी इतना बड़ा फेवर. एग्जैक्टली कोई नहीं करता. मीनिंग पहले तो दोस्त ही नहीं थे एक दफा भी इस लड़की को हमने आगे पीछे भाई की मैयत पे भी कोई नहीं कुछ नहीं कोई नहीं और सडनली कहती हाँ हाँ मैं तो बीबी बनने के लिए तैयार हूँ. सो द ट्विस्ट वॉज इंटरेस्टिंग आई एंजॉयड दैट यू नो व्हेन दिस थिंग केम कि आई एम योर वाइफ एंड आई नो सो एंड सो एंड आई एम लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग वेयर इज दिस गोइंग टू गो एंड शी शुड हैव सेड नोवेयर it's not going anywhere because by the end of the next episode ye thus ho jayega. and also father-in-law's behavior when he's trying to tell Aira ki ye meri biwi nahi hai. do you remember that he was totally out of character. ha totally out of character. nahi nahi ye meri biwi nahi hai usko explain kar raha hai yaar kyun kar raha hai exactly tum suddenly wo ban gaye it was so bahut off tha. so for me it was a very difficult watch but I watched it. shocked. अच्छा हाँ अच्छा इसमें शुरू वाला है अभी. ओह आई थॉट आगे चल रहा है. सॉरी सॉरी राइटिंग जंजबील आसिम उनकी नियत बहुत अच्छी है
दिल की बुरी नहीं है वो, जो प्लॉट में चेंज आया है, जो आयजा का एकदम अच्छा होना, ये बहुत स्मार्टनेस है भाई, बड़ा जीनियस मूव है कि वो अच्छी हो गई और आयरा का जो है ना वो चुड़ैलपन आगे, चुड़ैल ही बन गई है वो, आयरा इज नाउ चुड़ैल ऑरेंज लिपस्टिक में है वो, तो वो जो चुड़ैल है उसमें पता नहीं मुझे समझ नहीं आया, वो जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आयरा घर बसाने आई है या बदला लेने आई है। खई में जैसे क्लियर है कि वो उसको अब बदला लेना है, ये क्या चाह रही है, अगर पहले मैंने कहा बदला लेने आई है शाबाश, उसके बाद फिर भाभी से बात करके शी फील्स नहीं ऐसे तो अच्छा नहीं होगा, तो फिर आके ठीक हो गई वाज के साथ, ठीक है नहीं फिर हम नहीं घर शिफ्ट करते, तो वो फिर फर्स्ट गियर, मतलब चल छोड़ो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये घर बसाने आई है, घर बर्बाद करने आई आयरा का, इट्स नॉट क्लियर कि ये इंटेंशनल है या ऐसी ही है या बन रही है, क्या आयरा से क्या मुराद थी आपकी है फर्स्ट गियर से, मतलब जब जैसी आयरा के डायलॉग ना वो स्लो हो जाती है स्पीड ना, सब तेज तेज इतना बोल रहे हैं और एकदम वो आके मैं ये कहना चाहती लेकिन पापा, बस वो फिर एकदम रोबोटिक हम उसमें चले जाते हैं, लेकिन शी इज डन अ गुड जॉब, आप कपड़े बहुत अच्छे हो गए, लिपस्टिक पे मुझे मसला है ऑरेंज वाली पे, क्योंकि वो टीवी पे स्क्रीन पे अच्छी नहीं आती है, लड़की बहुत प्यारी है लेकिन लिपस्टिक से मुझे इख्तिलाफ है थोड़ा सा, बाकी कुछ लाइंस बहुत अमेजिंग थी, कुछ लाइंस मैं बताना चाहूंगी आपको बड़ी प्यारी लाइंस थी, एक ये कि जैद किधर है, ठीक है, अब आयजा से पूछा पप्पा ने जैद किधर है, वो आयरा को सी ऑफ करने गया है, आयरा को सी ऑफ कर रहा है, नहीं सी ऑफ वो कैसे कर सकता है, आयरा उसको सी ऑफ करेगी, सी ऑफ उसको करते हैं जो जा रहा होता है, बिल्कुल, तो ये कह रही है कि वो आयरा को कमरे में सी ऑफ करने गया है, हाँ, कहते एंड शी सेड दिस कमरे में सी ऑफ कर रहा है, एब्सोल्युटली शी इज, ये आयजा ने क्या बात की है, नहीं नहीं लिखा है ठीक है, हाँ, आपको नहीं पता, किसी को तो पता, हाँ, होना चाहिए, ये राइटर से मैं पूछूंगी कि ये क्या लिखा आपने, फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है फॉर वहाज के, वो अब अपनी बीवी के साथ इतनी जेलस ये वैसे कुड़ रही है और अब वो उसके साथ टर्की जा रहा है, तो उसने उसको ये बताया ही नहीं, ले गया उसको आइसक्रीम खिलाने बाहर, कहीं ड्राइव कराई, फिर म्यूट शुरू हो गया और कहीं जिक्र नहीं हुआ कि सुनो मैं टर्की जा रहा हूँ और ये, और ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही वापस आऊँगा, तो कुछ नहीं उसने बताया, और उसके बाद सी ऑफ करने, मतलब कमरे में सी ऑफ है, वो भी सीन नहीं हमें दिखाया, वो मुझे एकदम बीच में लगा एक खाली सी, खाली जगह पुर करें, क्या हुआ उसने, क्योंकि पता था हंगामा होता, काफ़ी कुछ होना चाहिए था, डिस्कस ही नहीं हुआ कि मैं टर्की जा रहा हूँ, चला गया टर्की। एक और भाभी के भी दो बड़े प्यारे जुमले थे, एक वो अंदर आई है आयरा तो बिजनेस दिखाना था, टक टक क्या फर्नीचर रिपेयर हो रहा है, फर्नीचर रिपेयर, भाभी क्या हो रहा है, भाभी क्या कहती हैं, हा हा जाने वाला तो चला गया, मैंने सोचा सामान रिपेयर ही करवा लूं, बहुत क्लासिक था, बहुत क्लासिक, मैंने सोचा सामान रिपेयर करा लूं भी काफी था मगर जाने वाला चला गया का क्या जिक्र था, मैंने उसे पॉज करके ना पहले मैंने कहा रिस्पेक्ट, एक मिनट की खामोशी मैंने दी है इसको भाभी को, फिर मैंने ये बात जब नॉर्मल हुई फिर मैंने प्ले करी, आगे देखा कि अब क्या करेगी, बहुत अच्छा था जाने वाला, आपको फातिहा पढ़नी चाहिए जी जी, जाने वाला चला गया, पॉज फातिहा सोचा जी न्यू फर्नीचर रिपेयर, आई मीन व्हाट डायलॉग वाज दैट, बहुत प्यारा डायलॉग था, उसके बाद भाभी कहती हैं तो जाने वाला चला गया तो फर्नीचर रिपेयर नहीं करवाते, मतलब फर्नीचर रिपेयर जाने वाला चला गया कहते हैं कि भैया मेरे को खत्म दिला दूं, जाने वाला चला गया, मैंने कहा जिंदगी तो चलती है, जाने वाला चला गया तो मैं फर्नीचर रिपेयर करा लूं, नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं मैंने बिल्कुल मेरा ऐसे था नहीं तो बड़ा प्यारा जुमला था, उसके बाद एक और भाभी का बड़ा प्यारा जुमला आया है, जब वो उसको बता रही है ये मुबशरा के साथ जा रहा है, पता नहीं क्या तारीफें कर रही है उसकी, नहीं आयरा समझा रही है भाभी को कि ये वो फला फला मुबशरा, ये मुबशरा को बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो भाभी कहती है वो क्यों मुबशरा को पसंद करेंगे, उनकी तो आपस में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ना वो भांजी है ना भतीजी है, तो क्यों पसंद करेंगे, इसका क्या मतलब मतलब वो मुबशरा को क्यों इंपॉर्टेंस देंगे, अगर तो सगा रिश्ता होता तो ठीक था भाई, वो इतने पैसे वाले की उसके पार्टनर की बेटी है, पहली बीवी है, ये रीजन है, लेकिन भाभी को ये लग रहा है क्योंकि वो सगे रिश्ते की भांजी नहीं है, हैं जी मुबशरा भतीजी नहीं है, तो वो उसको क्यों पसंद करेंगे, बेटा खुद सोचो ना, अक्ल करो, और ये है
कि भाभी का लॉजिक, मैंने कहा क्या मतलब हुआ इस बात का, फिर मैंने पॉज किया, फिर मैं एक मिनट की खामोशी, फिर भी मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन जो अच्छी लाइन थी उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं नहीं अच्छी लाइन, अब अच्छी लाइन हंसना नहीं, अच्छी लाइन ये थी कि नौकरों से ऐसी हरकतें करवाना आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता. ये कहा आयरा ने, तो फिर पप्पा ने बड़ा अच्छा बोला, फिल ने, फादर इन लॉ ने, कि तुम मेरी बहू हो, ये भी मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता. नाइस, आई लाइक दिस. जहाँ अच्छा है वहाँ तो बोलेंगे ना अच्छा है, तो सही है. बाकी नीयत उनकी ठीक है, दिल साफ है राइटर का. अच्छा, मज़ा आ रहा है बहुत. और वो ना उसे कहती है कि सर मैं कपड़े निकाल दूँ आपके, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या मुझे ऑर्डर दे रही हो. मैं कहा नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. वह आज को भी एकदम गुस्सा आ गया ना, उसने कहा नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. ठीक है निकाल दो मेरे कपड़े बैग से. वो भी अच्छा था. नादिया जी, कितने नंबर हैं फिर आपके पास जंजीबील आसिम शाह के लिए? फाइव. ओके जॉब. रेयान को तो बिल्कुल निकाल दें इस इक्वेशन से, ख़त्म कर दें, क्योंकि उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है. उसको फाइल दे के घर भेजते हैं आसिफ साहब को फाइल देने के लिए. चलो उस किसी ने नहीं दे के भेजी थी, वो खुद ही आ गया था क्योंकि उसने आयरा को तंग करना था. क्यों, व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स ही थिंकिंग? कोई लड़कियों की कमी है कि उसने आयरा के साथ ही आके नोक झोंक करनी है? यूज़लेस. रेयान का सीन आता है और आप कहते हैं नहीं फिर आ गया. So, वो अब कुछ उनके राइटर के पास उस ट्रैक के लिए सेंसिबल मजे का उसकी बहन की शादी हुई है जैसे पहले था. अच्छा वो जैसे पहले था वो क्या तंग करना चाह रहा होता है आयरा को? क्यों, मगर क्यों? क्योंकि उसकी बहन की, तो उसकी कौन सी बहन से बनती है? खुद को तंग कर ले, उसकी तो खुद भी नहीं बनती बहन से, तो बहन की सौगन को तंग करने का उसका क्या मसला है? मीनिंग बदला तो नहीं, मीनिंग इन द सेंस कि आई मीन व्हाई वो वैसे लॉजिक क्या राइटर ने सोचा क्या है? नहीं नहीं वो तो दिखाया है, बोर हुआ है ना घर में, बेगम प्रेग्नेंट है तो वो चाह रहा बस मैं घर से बाहर रहूं. उसको हर लड़की अच्छी लग रही है. लेकिन देखिए अगर आप बेगम को मोटा दिखाएं, प्रेग्नेंट दिखाएं, बाल कभी आप यू नो यू डोंट लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्रेगनेंसी में बहुत सारी अ वुमन गोस थ्रू अ लॉट, देन शो दैट. And men do get put off their wives when they are pregnant. A lot of men do. A lot of men pretend they don't. A lot of men don't. But ये एक factor है life का कि वो they get an. मगर उसका कोई visual तो होना चाहिए. वही मैंने कमजोर बीवी उसको कह रहा dieting करो. नहीं हो सकता ये वही वाली बात है कि हमें ज़बानी सुना देते कि कश्माला की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल मरने वाली हो गई है, वो बेहोश हो गई है और डॉक्टर को बुला लिया है और रेहान आ गया है और फिर बहुत खौफनाक. आई would have imagined a way better scene. ये मुझे ज़बानी पूरा सिनेरियो कोई बता देता, नौकर के मुंह से कहलवा देते. exactly. ये हुआ था कि कश्माला बीबी जो है वो गिर गई थी क्योंकि वो बहुत डाइटिंग कर रही हैं और उनको ना दिखाते. बट आप दिखा रहे हो ना एक कॉन्ट्रडिक्ट्री विजुअल व्हेन द लाइंस आर सेइंग कि ये अपने मियाँ के कहने पर डाइटिंग कर रही है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और मियाँ को लग रहा है कि ये अपना ध्यान नहीं रख रही, नहीं जबकि कि वो बिल्कुल वैसी है एज मरीना सेड, वो प्रेग्नेंट भी नहीं लग रही, यू नो गिरना भी ठीक नहीं था, बेहोश होना भी ठीक नहीं था, बेहोशी से वापस आना भी ठीक नहीं था, डॉक्टर भी ठीक नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी इस पूरी जगह की, ये बिल्कुल फिलर था. और जो फिलर नहीं था वो प्लान के बगैर था. आयरा ने जो जो कुछ किया, खाने की मेज़ पे बैठी सिर्फ नोक झोंक करने के लिए सुसर के साथ, आयरा ने एक इम्पोस्टर बुलाई टू यू नो एज द वाइफ, आसिफ ने आयरा के साथ ही आयरा को ही एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी कि नहीं नहीं ये नहीं है मेरी बीवी. जैसे तुम कह रहे थे आसिफ को तो कहना चाहिए था आई बीवी कमरे में, आप मेरी बीवी हैं मैं मानता हूँ. है ना, वो भाग जाती. नहीं नहीं, क्वेश्चनेबल वाई मोमेंट्स, सो मैनी वाइज in the writing that it's actually a four. Marina ji, meri ek observation thi ke ye aapne apna business unse leke in you gave it back to Mubashra and jo bhi tha. Ab ek bahut badi meeting ho rahi hai us tender ki ya us ghar pe kyon ho rahi hai सबसे पहले, और उस घर में जहाँ जिस लड़की को आपने फॉल्स प्रिटेंस से निकाला है उससे, यू ब्लेम्ड हर फॉर एवरीथिंग, उसके सामने ही मीटिंग हो रही, मीनिंग यू हैव टू नो दैट शी इज़ रोमिंग अराउंड समवेयर, या आप कहें कि आई हैव अ स्पेशल रूम लेट्स गो देयर, बट यू नो दैट देयर इज़ दिस गर्ल
जिसको आपने फॉल्सली निकाला है, जिसको आपने ब्लेम किया है, चलाकी से आपने वो टेंडर वहाँ से लेके दूसरे वालों को दे दिया और उसी घर में आप मीटिंग कर रहे हो. सो इट वाज़न्ट अ मीटिंग, इट वाज़ अ थैंक यू नो गेट टुगेदर. अब इसमें देखें दो तीन पॉइंट्स ये आपको नोट करने होंगे. एंड देयर श्योर इनफ आयरा कम्स एंड सेड, ये मुझे बताएं कि आपने ये किया और आपने ये किया एंड ऑल दैट. नहीं नहीं बेटा आपको कुछ नहीं पता, यू आर एन इडियट, गेट आउट. That's all. Meaning that's all they had to say, you know. And she was like, oh, okay. And then she goes back. She goes back to what's his name? The rival group. And वहाँ वो वाली बात. हाँ और हमारी बात हो रही है. और फखर ने भी कह दिया कि बेटे आप अपना घर संभालिए. And then she said, I have to clear my mind. अभी mute में क्या बात हुई है? Clear क्यों कर रहा था? Meaning there is absolutely right now except for Aiza, who's doing a brilliant job. हाँ same. बिल्कुल, I think. I love what she's doing. I mean, finally exactly. she has found her place in this drama. जिस तरीके से वो अच्छी होके फिर चीज फेंकती है, you know, except for her, there is really nothing to watch. I mean, I'm sorry, there is nothing. She's the only driving force. नहीं, रियान भी है. हाँ, रियान भी है. अब रियान the smoker. रियान अभी भी है. रियान उनका तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा. So you know, four. That feels like a three. Four. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,000 हुए हैं और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,089%. वाओ, 0.9. आई एम सो हैप्पी फॉर हर. डायरेक्शन नादिया. डायरेक्टर फास्ट म्यूजिक से बहुत खेल रहा है. बहुत म्यूजिक है, बहुत फास्ट है, खासतौर पे फिल और आयरा के सीन्स में बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूजिक है. कुछ और भी सवाल हैं डायरेक्टर से जो मैं पूछूंगी, बल्कि पता नहीं क्यों इस ड्रामे के साथ हो रहा है. जब भी इतने बड़े अमीर लोग हैं, सेलिब्रेशन आती है तो बजट कहाँ चला जाता है इनका. तो एपिसोड नंबर 25 शुरू सेलिब्रेशन से हुआ कि टेंडर मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, सेलिब्रेशन. अब सेलिब्रेशन को 4,345 रुपये का बजट होगा उसमें. आइए बाहर मेहमान आए हैं, मुबशरा तैयार, मेहमान चले अंदर. मैं नहीं जाना, मैं नहीं. आयरा ने तो कह दी मैं नहीं जाना, लेकिन सब इतने तैयार हो के जब बाहर गए हैं गार्डन में, दो वो लाइटों की लगी हुई थी लड़ियाँ और वही मेहमान थे, वही उसके पप्पा और तो कोई नहीं था. पप्पा के अलावा कौन था? वकील भी नहीं था. तीन दो औरतें काले कपड़ों में और हाथ मिलाने वाले सीन में आई थी और एक लड़का. तीन ये सेलिब्रेशन थी, फिर वो आपस में ही सिर्फ बातें करे. और वकील भी नहीं, इस दफा अंकल को बुलाया कि उनको भी बुला लेते, तो वो भी नहीं बुलाया, उसका भी बजट नहीं था. वो बेचारे उनको बस गालियां मिलती हैं जब भी वो जी. तो बहुत ही फजूल और सस्ती सेलिब्रेशन थी, ना दिखाते, नहीं करना था ऐसी सेलिब्रेशन. बस उन्होंने ये दिखाना था कि आयरा शामिल नहीं हुई, ये पॉइंट. और फिर रियान अंदर जाएगा. मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जबानी सुना दिया करें, रेडियो कर लिया करें. ऐसे सीन्स को हम इतना अच्छा इमेजिन करते हैं, भरी हुई पार्टी इमेजिन कर लेते. और आयरा ने जाने से इनकार कर दिया, ऐसे में वो अंदर आ गया. आपने वो देखा था कि वेटर जो था वो किसी को ड्रिंक लाके हाथ में दे रहा था ग्लास में, ट्रे भी नहीं बेचारे के पास. एक ऐसी पार्टी थी वो, एक वेटर आया और इसने एक अंकल के उसने कहा कुछ कहा के आपने वो इसमें तीन रंग के शरबत थे. हाँ, पीले रंग थे, शरबत होते नहीं वो जो शादी में. हाँ, वो शादी वो में जो बच गया था जो नीले रंग का शरबत था वो इसका सिर्फ बच गया था, थोड़ा सा डाल दिया उन्होंने, सर्व कर दिया था. अच्छा, अब ऐसा घर जिसमें आप जब भी इंडोर कोई सीन दिखाते हैं तो दो ना पीछे बंदे वॉक कर रहे होते हैं, गार्ड होते हैं हमेशा. तो जिस घर के गार्डन में भी गार्ड्स हैं वहाँ ये इम्पोस्टर कैसे लाउंज में पहुँच गई, जब उनको पता है सर तो मैरिड ही नहीं है, आके बिठा दिया उसको लाउंज में. अजीब बात है नहीं, गार्ड्स वगैरह हाँ क्या कर रहे थे, कैसे वो क्या कर रहे थे, वो तो हर वक्त पीछे खड़े होते हैं खिड़की में, मगर खिड़की के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं. एक्शन और उनकी वॉक शुरू, ये गार्ड्स की वॉक. तो ये मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों अंदर आ गए ऐसे. अच्छा, और फिर इस दफ़ा शहजाद नवाज ने सफाई पे बहुत ध्यान दिया, नोट किया आपने? अब उस पर कैरेक्टर पे नहीं जाता, मेरा कमरा सही इतना साफ करना, फिर सुनो तुम दोनों ने सफाई इस दफा बिल्कुल सही करनी है, मुझे मिट्टी ना नजर आए कहीं, बिल्कुल सफाई है. मैं कि तो हमारे घर में हमारी अम्मी ऐसे बात करती हैं,
ये क्यों बात करेगा इतना बड़ा, ये कि ऑफिस नहीं जाता, मतलब इसने भी ऑफिस जाना छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं जाता ऑफिस नहीं जाते। फिर साहब ये घर में बैठा होता है कि मैं आयरा से ना पंगल हूँ, मैं इसको सुनाऊँ वो मुझे सुनाए, ये चल रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, फैक्ट्री बिजनेस कौन संभाल रहा है पता नहीं, वो तो टर्की चले गए, इसको ध्यान है सफाई में। फिर उसके बाद डायरेक्टर का इतना बड़ा ब्लंडर कि आप जाफर्स दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, और लड़की जब अंदर जा रही है घर के बाहर लिखा है बेग्स, क्योंकि वो असली उस घर के मालिक हैं। तो आप ये अवॉइड कर सकते थे, बहुत छोटा सा फ्रेम था, आयरा अंदर जा रही, ये भी नहीं दूर से बहुत करीब से बेग्स बेग हाउस, उन्होंने सोच लिया था कि ये आसिफ बेग का घर है। बेग भी है यहाँ, उन्हें नहीं पता था कि आपको पता है कि ये कौन से वाले बेग। ये डायरेक्टर ने कैसे इग्नोर कर दिया मुझे बात समझ नहीं आई। रयान के साथ अच्छा नहीं कर रहे, रयान की जो सारे सीन्स शूट हुए कॉम थ्री के नीचे पार्किंग में, फिर पार्टी वाला जो वो लड़की के साथ उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, लड़की है, फ्लर्ट कर रहा है, बहुत बुरा, बहुत टैकी, बहुत थका हुआ था। ये वो क्राउड ही नहीं जिसमें उस इस सर्कल का लड़का मूव करे, स्पेशली इतनी प्यारी बीवी छोड़ के अगर इसके साथ जा रहा है तो आपको बेहतर ही कास्टिंग कर लेते उस वक्त और बेहतर माहौल दिखाते। और पार्टी मीन्स पार्टी, प्लीज़ आप पहले तो लुगत में जाके देखें पार्टी का मतलब क्या, पार्टी कैसे होती है, यही दिखाते हैं कभी कहीं। टर्की में भी आपने गंदी पार्टी दिखाई, इधर भी गंदी पार्टी, सड़क पे शुरू हो गए अभी ये पार्टी, पार्किंग लॉट में बैठे हैं आइसक्रीम खा रहे पार्टी हो रही है। आप ये दिखा दें, अगर आपने उसको यही दिखाना, वो लॉन्ग ड्राइव पे लड़की को ले गया, मतलब इस तरह दिखाते ही नहीं कुछ, बस वो कहीं से आ रहा है, धुएं निकल रहे हैं उसके अंदर से, बस ठीक है। कहीं से भी आ रहा है, थोड़ा सा जरा होश में ना होता कभी, मैं पार्टी करके आ रहा हूँ। हम इमेजिन, हम अपने ना ख्याल में बहुत अच्छी पार्टी करते हैं, हम वो समझते हैं कि क्या होगा, पार्टी कर रहा होगा ये बुर्ज खलीफा वाली। नहीं, आपने क्यों दिखाया, ये क्यों पार्किंग का सीन दिखाया फजूल में, इसने ऑफ कर दिया। और अब जो आखिर में हो रहा है कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया है, चाबियाँ मुझे दे देना, थोड़ा सा खाना रख देना ताकि मरे ना भूख से, अब ये क्या हो रहा है, ये फिल का क्या चक्कर है, क्योंकि ये तो विल गो अगेंस्ट हिम कि इसको कमरे में लॉक कर दिया था, क्या हुआ ये तो मुझे अब आगे ही पता चलेगा। डायरेक्टर से तो मेरे मतलब एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सही, लेकिन ये शूट जिस तरह की कुछ चीज़ें हुई हजम ही नहीं हो रही ईमान से। चार चार ओके। आयरा ने कहा था ना उसको कि अंकल जब वो पुलिस बुला ली थी और लड़की जो थी जो बीवी बन के आई थी इम्पोस्टर वो पकड़ी जा रही थी, तो आयरा ने कहा था कि अंकल मैंने अंकल या जो भी उनको कहती है मैंने किया, ये मेरा कसूर है, प्लीज़ आपको जो सज़ा देनी है, क्योंकि वो उसको ले जा रहे थे जो भी उसकी नेबर उसके कहने पे काम करी थी, तो आपको जो सज़ा देनी है वो मुझे दे, तो भाई ये सज़ा थी। ओ ये तो फिर अब ये मैंने मिस कर दी, मैं सो गई हूं। लॉक्टर आप एनी टोल्ड द, वो दिखाया नहीं, बट ही जस्ट सेलिंग द सर्वेंट के खाने के लिए कुछ रख दो कमरे में, फ़ोन ले लो उससे और उसका कमरा लॉक करके चाबी मुझे, तो ये क्यों कर रहा है पता नहीं, पनिशमेंट। अब वो ये हर किस्म की अनयूजुअल नई हरकत कर रहे हैं, मगर वो अभी तक जितनी की हैं वो कहीं पहुंची नहीं है। आई लाइक द वे द टर्की सीन्स वर शॉट, रमादा जो एब्सोल्यूट किया था वो अच्छी जगह थी, वो विजुअल खूबसूरत बना, कमरा अच्छा था, और पिछले ट्रिप से अच्छा था, ग्रीनरी में जहाँ वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने वाली भूख है, वो विजुअल बहुत खूबसूरत था। सो देयर द डायरेक्टर या प्रोडक्शन की एफर्ट नज़र आ रही है, कमेंडेबल है, खूबसूरत है, मगर मैं हैरान हो जाती हूँ जब फ़ोन कॉन्वर्सेशंस ऐसे ख़त्म हो जाती हैं कि डैड आपको मुबारक हो आपने शादी कर ली है, वो कहते हैं बिल्कुल गलत है, नहीं डैड मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने कर ली, अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने नहीं की, वो भी फ़ोन नीचे नहीं आता, वो भी फ़ोन नीचे। हाँ ये फिर आयरा उससे पहले बता रही थी कि यू नो डैड तुम्हारे डैड की अभी एक बीवी आई थी, अच्छा हाँ वो कही थी कि इनकी शादी होगी, तुम्हारे डैड ने शादी करी है, फ़ोन नीचे फ़ोन नीचे, ये किस तरह का एंडिंग फ़ोन कॉन्वर्सेशन है, ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। डायरेक्टर प्लीज, में होता है नहीं, बहुत टीवी में बहुत सारी जगहों में हो रहा है, हाँ, बगैर खुदाफिज़ बगैर टाटा बाय बाय एंडिंग नोट के बगैर फोन्स बंद हो जाते हैं, विच इज नेवर एवर हैपनिंग इन लाइफ, सो वेरी स्ट्रेंज, बट देखते हैं आगे क्या होता है। मॉर्बिड फैसिनेशन, तो कितने नंबर आपके पास? चार द एक्शन के भी चार, बदल हम उस आपके लिए। सो माय ओनली क्रिटिक, बिकॉज़ एवरीथिंग इज बेसिकली सेड, दैट overall I think by choosing a difficult or a complicated play storyline with such ridiculous twists and turns and all, it is the director's responsibility, because kehte na kahani teen dafa likhi jati hai, right? The writer writes it and the director directs it and then the editor edits it, so
यू कैन मैनिपुलेट. और बीच में एक चौथी दफा भी है ना. Which is? But too many people in the channel fixing it and the too production many cooks. House. Haan. I think Which, maybe यहाँ it's only that, nothing else. So एक जगह थी where Zaid इसको call करता है just before he goes to Turkey. तुम I miss कर रहा हूँ तुम्हें, let's go out and मैं तुम्हारे साथ अच्छा time गुजारना चाहता हूँ. खैर this goes into writing also. नहीं बहुत दिन हो गए कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा टाइम नहीं गुजारा. मैं तुम्हारे साथ एंड इट्स अ वेरी हैप्पी कॉन्वर्सेशन ला ला ला. कट टू देम वॉकिंग आउट ऑफ दिस प्लेस विथ दिस मैसिव जनरेटर बिहाइंड देम एंड आई एम थिंकिंग ओ माय गॉड कुडंट यू हैव इवन इन योर पार्क दिखा देते. अच्छा टाइम गुजारना चाहता हूँ विथ दिस अगली जनरेटर. द सेकेंड आई मीन द शॉर्ट आफ्टर दैट जो अच्छा टाइम गुजार रहे हैं. He's taken her to this place where there is this ugly generator. I'm thinking seriously, कितना अच्छा time. I mean this is where visuals, this is where I feel that we lose control over, and it just kills the entire अच्छा time उनके साथ. So I'm going to give him also four. Four. There is nothing in this play except for Aiza right now. That is so true. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,700 हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में और ड्रामा सीरियल मैं से बदल महमूद साहब के से मैं 1,143 9% बनते हैं 0.9 मिले हैं इनको. जबकि मैं बताता चलूँ कि जब मैं ड्रामा शुरू हुआ था कि हाईएस्ट मार्क्स लेके जाता था लेकिन अब इसके 26 एपिसोड आने तक बहुत कम इसके वोट्स हो गए हैं. तो अब बात कर ली जाए ड्राइविंग फोर्स की. आयजा खान की बहुत कमाल एक्टिंग, वेरी मैच्योर नेक्स्ट लेवल की. अब समझ आती है कि आयजा ने ये ड्रामा क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इट इज़ हर ड्रामा. यही इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन मार्जिन है इसके पास परफॉर्मेंस का. बायरा के पास भी है कुछ, लेकिन जो शिफ्ट हुआ है ना कि परफॉर्मेंस कि जो अपना उसका कैरेक्टर उसने बनाया जो वो है अब उससे हट के करना है बिल्कुल. और वो बहुत मशहूर हुआ है सीक्वेंस जहाँ वो अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठी और बात कर रही है. वो बड़ा वायरल हुआ है सीन बिकॉज शी इज़ परफॉर्म्ड अमेजिंग. 19th एपिसोड वो बड़ा अच्छा था तो मैं कहा उसको एक्नॉलेज करें. फॉर मी इट वाज एन ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस. सो गुड, सो गुड. ये बिल्कुल ये बड़ा बहुत मुश्किल ये सीन्स भी थे, ये लाइंस भी थे, लेकिन आयजा ने उससे भी ज़्यादा अच्छा उसको किया जितना मुश्किल वो लिखा हुआ था. आप फैन हो जाएं आयजा के एक्टिंग के जिस तरह इसने इसमें परफॉर्म किया. और इवन ये भी जो एपिसोड्स निकले हैं जिस तरह भी जो भी ब्लंडर राइटर डायरेक्टर मार रहा हो आयजा अपने इन कंट्रोल है कैरेक्टर में सीन में ड्रामे में. आई विल गिव हर अ 9. आई एम वेरी इंप्रेस्ड और उसी की वजह से मजा आ रहा है. और ड्रेसिंग वगैरह भी इज आल्सो आई थिंक द ओनली सीन्स worthy of viewing are the ones जिसमें आयजा और जैद हैं and उसमें आयजा का ज़्यादा हाथ है because you know she steers the scene, she gives us a beautiful visual by the way she's dressed up, the way she looks, उसने हर aspect पे अपनी personality के मुबशरा बनने के अपने आप को बहुत you know मेहनत से हमें एंटरटेन किया है उस जगह. सो शी डिजर्व्स फॉर मी अ वेरी गुड जॉब. 7 वेरी गुड जॉब. मेरा जी आउट ऑफ आई थिंक द इंटायर थिंग अगर एक सीन हम निकालते हैं तो इट्स द सीन इन द 19th एपिसोड विद द साइकाइट्रिस्ट. इट इज आउटस्टैंडिंग. उसमें ये बच्ची जो एक फसाद क्रिएट कर उसने एक फसाद ही क्रिएट किया है ना अपने टू एक्सेप्ट दिस गर्ल सो दैट मीनिंग अंदर से तो मर रही है वो अंदर से तो शी इज़ डाइंग बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग हर टाइम ही इज़ गिविंग दिस गर्ल द टाइम शी इज़ सीइंग इट हैपन इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड वो जो उसने
यू नो शी इज टेकन इट एंड टेकन, और वहाँ जाके जो उसका ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन भी मीनिंग इतनी सारी चीज़ें जिसमें वो हेल्पलेस भी है, उसको गुस्सा भी ओफ माई गॉड, मेरे तो मीनिंग आई सीन दैट सीन आई थिंक अबाउट 12 टाइम्स. शी इज़ डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड शी हैज़ कंटिन्यूड विद दैट. Meaning that was an outstanding scene. Outstanding. I don't think I can for the type of scene it was for. Meaning उसमें सिर्फ आप आयजा को देख रहे हैं और उसके हाथ, उसके face expression. She was just so good. But how she has carried that, वो जो feelings और वो सब कुछ जो उसने पूरे उस episode में carry किया है, I think she needs. I'll give her a 9 for that. I mean, just for that scene alone, I want to give her a 10. Actually, I will give her a 10. For episode 19, Sitaj Krishna. Brilliant. For Aiza Khan. Drama is the main, but now it's going to be on the way to kill your mother. To kill your mother and then go forward. That's the success. Very, very. And her dressing, I mean, I'm saying that every person who is acting at the moment should learn from this girl, because there are two big dramas on right now. And how she has made this character, she has not let us down even once, whether it's a night suit or it's a shoe or it's a clip or how her hair is done or her makeup, she has not let us down. And she's not initially mujhe over lag raha tha jab shuru hua tha, but you know, all her, you know, business mein aayi to suits mein aa gayi, you know, she's how, and then in Jaane Jahan, how she's going to come into a very simple form, us baal wo kaise kar rahi hai, she's hardly using any makeup, and this is what an actor brings on to a set. Not ke, you know, I want to wear fashionable matlab main khoobsurat bas lagun kuch bhi, I want to look good. No, you have to understand aapka character kya hai. Main पूरी रात बोल सकती हूँ लेकिन नहीं बोलूंगी. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 12,000 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 3,000 2,280 19% बनते हैं 1.9 मिलियन है आयजा खान के ड्रामा सीरियल में से. अब बात कर ली जाए वहाज की. वहाज बहुत कम है, बहुत कम है, सीन्स भी बहुत कम है और आयरा कृष्णा का बिहेवियर पे इसका इतना लाइट रिएक्शन है. पुट ऑफ तो वो हो रहा है लेकिन कुछ जगहों पे उसको सुनाने चाहिए कि आई यू मैड वुमन, तुम तो वो औरत ही नहीं हो जिससे मैंने शादी की है, तुम तो इतनी चलाक लड़की निकली, मतलब कहीं उनका इस तरह का कन्फ्रंटेशन होना चाहिए था. तो ऐसे सीन्स ही नहीं लिखे गए हैं वहाँ आज के, और होते तो बड़ा मज़ा आता, और जो थोड़ा सा भी इसका और आयजा का इंटरेक्शन होता है उस पर मज़ा आता है. मुझे तो लगता है कि शहजाद नवाज़ को नंबर देने चाहिए, उसको हम रेट करें क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हैज़ बीन अमेजिंग. सीन्स भी ज़्यादा हैं, डायलॉग्स भी ज़्यादा हैं. मैं ये वहाज तो हमारा वाकई बस फिलर ही रह गया, वेस्ट हुआ बहुत. बहुत अच्छा एक्टर बट वेस्टेड इन मे. तो क्या क्या रेट करूँ? 6 कुछ है ही नहीं, सीन्स ही नहीं है. 6 गुड जॉब. ओके, एक ज़माने की बात है, समबडी टोल्ड मी कि फिल्म जब लिखी जाती थी ना तो पूरा स्क्रिप्ट कोई लिखता था लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता था फिल्म का उसके डायलॉग सर्टन स्पेसिफिक लोग होते थे जो असाइंड होते थे टू राइट द डायलॉग्स फॉर द मेन कैरेक्टर. मोहम्मद अली साहब के डायलॉग लिखा करते थे एक साहब जो कि बहुत कमाल राइटर थे, और फिर वो पता चलते थे क्योंकि जब हीरो आता है तो फिर उस वो कोई भी बात अपने मुँह से निकाले उसको फोर्सफुल होना चाहिए और उसको रेलिवेंट होना चाहिए, उस कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए. यहाँ मुझे लगता है कि आयजा ने ये मेहनत खुद की है. थोड़ी सी लेटर मे बी वो सीन जिसको अभी हम सब बहुत एक्लेम कर रहे हैं वो भी शायद उसने कह के लिखवाया हो कि भाई प्लीज़ मुझे वो दो जगह जहाँ मैं बता सकूँ कि इस वक्त मेरे कॉन्फ्लिक्ट अंदर क्या चल रहा है.
सो इसी तरह वैद को भी प्रॉबली कोई हेल्प चाहिए थी टू गेट समथिंग आउट ऑफ द यू नो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ इट्स अ सैड प्लेस टू गो टू बिकॉज होना ये नहीं चाहिए बट शायद हमें अब एज एक्टर्स उन लोगों की और इस हेल्प की ज़रूरत है कि जब कोई हमें वो सीन बना के नहीं देता तो फिर हम खुद से ऑन बोर्ड लाएं ऐसी यू नो ऐसे स्किल्ड लोगों को जो हमें हमारे कैरेक्टर के हिसाब से वो सीन बना के दे दें बिकॉज एक्चुअली उसके पास कुछ नहीं है सवाई इसके कि मैं कह रहा हूँ इधर से आके बात करें मैं कह रहा हूँ इधर से आके बात करें और यही कर रही थी मुबशरा बहुत अरसे तक मैं मुबशरा जाफर हूँ आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ मैं क्या कर सकती हूँ शी क्योंकि लिख के यही दिए जा रहे थे रिपीट टिल शी प्रॉबली वोक अप एंड सेड आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दिस गाय ऑल्सो नीड्स टू वेक अप एंड डू समथिंग डिफरेंट फॉर नाउ आई थिंक इफ आइजा वॉज अ सेवन फॉर मी जैद वुड बी सिक्स सिक्स स्टिल गुड जॉब स्टिल गुड जॉब जैद हैज बिकम अ शैडो You know, he's there. He's there. He's in the scenes, but he's. That's it. Nothing to say. Oh wow. You know. Oh. शुरू में मुझे लग रहा था कि you know expressions हैं वो मुझे लगता है वो संभालना वो scene को भी नहीं संभाल रहा. It's like चलो खत्म कर लो आगे बढ़ो. That's what how I'm feeling. I think it is such a waste of a good actor. I feel very bad for him. But I think he needs to pull his pants up and he needs to say, I am going to do this scene this way. Where is the logic in this? Meaning, wo bhool gaya ki uske baap ne itni ziyadtiyan ki, uske saath bhi ziyadtiyan ki. Suddenly he's become a daddy's boy. Aap, you know, ye sawal isko poochne chahiye the. Baap ke saath uski friction rehni chahiye thi. Throughout, whether he's brought this, just because wo ladki ko ghar le aaye, sab kuch sau khoon maaf. I feel... He has, मुझे लगता है उसने खुद छोड़ दिया आई थिंक ही इज डिसइंटरेस्टेड दैट्स इंटरेस्ट ही नहीं बस खत्म हो गया हिज डिसइंटरेस्ट इज कमिंग ऑन टू अस सो दैट्स व्हाई ही इज जस्ट बिकम अ शैडो आई आल्सो यू नो एज एन एक्टर ही इज अ गुड एक्टर सो 6 इज गुड फॉर 6 आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 14,100 किए और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 1,833 13% 1.3 मिलियन सोलो और ये बहुत इनकी वोटिंग जो है नीचे गई है Which is really sad. तो जी ये था ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू नादिया रुबीना और मरीना सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिख के लाई थी और अब वो क्रॉस भी कर रही हैं हो गया